पड़ेगा। तो आपको चैप्टर लर्न होना चाहिए। जैसे पहले अब जैसे पहली लाइन है, जो है बली वही सुंदर। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि सुंदर कौन है, सुंदर कौन है। अब उसके बाद तीन ऑप्शन होंगे, जो शक्तिशाली है, जो राक्षस है, जो देवता है। तो अगर आपको पता है जो है बली जो शक्तिशाली है तो आप उस पर टिक लगा देंगे। तो बच्चों ये जो टिक द करेक्ट वाले क्वेश्चन है इसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी लाइन से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देख लो एक बार। तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मातंग प्रखर। मातंग का मतलब क्या हो गया, सूर्य। ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। मातंग का अर्थ क्या है, तो उसमें आ जाएगा सूर्य चंद्रमा पृथ्वी। तो आप लिख देंगे अगर आपको आता है तो। तुम रजनी यानी तुम रात के चांद बनोगे या सूरज बनोगे। एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। कभी क्या पूछ रहा है कि तुम्हें फूल बनना है या पत्थर। तेल फुलेल कीन कंगी से नकली रूप सजाओगे। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, नकली रूप किससे सस्ता है। तो शक्ति से, क्रीम से, दोनों से। तो किससे सस्ता है, क्रीम से। ठीक है ना, ऐसे। या असली सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगे। आनंद यानी मुख पे, यानी असली सौंदर्य जो खून का है वो अपने मुख पर चमकाओगे। पुष्ट देह बलवान बुझाए, मोटा शरीर बलवान पूजा। रूखा चेहरा लाल मगर, लेकिन चेहरा कैसा है, रूखा है लेकिन वो लाल है। यह लोगे या पिछके काल सवारी मांग बोल रहे हैं कि तुम पुष्ट शरीर, रूखा चेहरा, लाल चेहरा लोगे या फिर पिछके में गाल लोगे। संचित करो लहू लोगों के, जलता सूर्य जवानी का। तुम्हारे अंदर जो खून है, रक्त है, उसे संचित करो। ये कैसा खून है, जवानी का। धमनी में इससे बसता निर्भय तूर जवानी का। इससे तुम्हारी धमनियों में एक निर्भय बिना डर वाला बाजा बसता है। जिस कौन पढ़ाई उस नद की जिसने मैं उठी तत्काल। नद यानी तो सागर। उस सागर की पढ़ाई कौन करेगा जिसमें लहरें नहीं उठती। आंधी क्या उनचास हवाएं उठी नहीं जो चाहता। वो आंधी क्या, वो तो हवा है जो हाहाकार नहीं बजाती, तूफान नहीं लाती। सिंधु नहीं सर कहो उसे, चंचल जो नहीं तरंगों से। उसे समुद्र मत कहो, तालाब कहो जिसमें चंचल तरंगे नहीं है। मुर्दा कहो उसके और जिसका दिल व्याकुल नहीं उमंगों से। और जिसका दिल उमंगों से व्याकुल नहीं उसको मुर्दा कहो। अब इसमें क्वेश्चन बन गया, जिसका दिल उमंगों से व्याकुल नहीं उसे क्या कहेंगे, मुर्दा, जिंदा, कुछ भी नहीं। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आ जाएगा आंसर मुर्दा। ठीक है, ऐसे हर लाइन से इसमें क्वेश्चन बनता है बेटा। अब खोजो सौंदर्य गगन चुंबी निर्वात पहाड़ों में। अगर तुम्हें सुंदरता देखनी है तो पहाड़ों में देखो जो आसमान को छूते हैं। सागर की उत्कान लहर में, बलशाली तूफानों में। सागर से आने वाली लहरों में और बलशाली तूफानों में तुम क्या देखो, सौंदर्य। प्लावन की कुश्ती खेलने वाले मस्त रावण में। प्लावन का मतलब होता है बाढ़। बाढ़ में भी अगर कोई नाव चला रहा है तो उसमें तुम अपना सौंदर्य देखो। बल विक्रम साहस के करता पर दुनिया बली जाती है। दुनिया किस पे बली जाती है, साहस, शक्ति, इन सब पे। भोग्य और बात क्या, स्वयं वीर भोग्य वसुधा कहलाती है। अब हमारी वसुधा कैसे कहलाती है, अब क्वेश्चन बन सकता है वीर भोग्य किसे कहा गया है, वसुधा को, आसमान को, मनुष्य को, तो वसुधा को। ठीक है ना। सौंदर्य शक्ति का अनुजन, जो सौंदर्य है वो शक्ति का दास है। जो है बली वही सुंदर, सुंदरता निसार वस्तु है। जो न साथ शक्ति, जिसके पास शक्ति नहीं है उसके पास सौंदर्य बेकार की वस्तु। ठीक है, अब देखो ये आपके जो एक मौखिक प्रश्न है इनको भी आप कितना करेक्ट में बदल सकते हैं। जैसे दुनिया कैसे लोगों पे बलिहार होती है, शक्तिशाली लोगों पे। तो बन सकता है ऑप्शन में, कवि की दृष्टि में सुंदर कौन है, शक्तिशाली है। कवि कैसी सुंदरता को निसार बताता है, जिसमें शक्ति ना हो। इसके बाद टिकता करें आपकी बुक में दे रखे हैं, अच्छे से लर्न कर लेना। पर्यायवाची याद करेगा, पर्यायवाची भी पूछ सकती हूँ। जैसे लघु का पर्यायवाची क्या है,
ठीक है, और इस चैप्टर में से कम 10 क्वेश्चन बनाओगे आप टिक द करेक्ट वाले, वन वर्ड में आंसर देने वाले, एक शब्द में आंसर देने वाले 10 क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। आंसर अपने आप लिखने हैं, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछना, लेकिन 10 क्वेश्चन हर बच्चे को बनाने हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन तभी बनाओगे